ओके थैंक यू। आज की तो इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूर्णिमा है और उसमें भी विशेष गुरु पूर्णिमा का आज सुअवसर है, और उस सुअवसर पर आज हम सभी परिचर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि ये जो गुरु शब्द है और ये जो पूर्णिमा शब्द है, ये दोनों के संबंध ने किस तरह से भारतीय जनमानस को सदियों से जो है वो प्रभावित किया है, और किस तरह से हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे दैनंदिन व्यवहार में किस तरह से ये शब्द जो है हमें निर्धारित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को भी, हमारे भाषा को भी, हमारे आचार व्यवहार को भी। तो पूर्णिमा और पूर्णिमा के साथ गुरु पूर्णिमा, ये दो शब्द जब जुड़ जाते हैं तो आज के दिन का विशेष महत्व जो है वो अपने आप ही प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त होता है। सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास के जन्म के अवसर पर इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है, उस उत्सव के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जितनी अन्य क्रियाएं हैं अपने अपने गुरु के पास, इंडिविजुअल गुरु के पास, सामूहिक गुरु के पास, उनके पास जाकर के हम अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनसे हम ज्ञान ग्रहण करने के लिए जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया है उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य रूप से वेद व्यास से जुड़े होने पर भी हम गुरुओं के कई रूप देखते हैं, जिनकी मैं चर्चा आप लोगों के साथ आगे करूंगा। लेकिन उससे पूर्व आप सभी का आज आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा के दिन राक्षस संवत्सर, विक्रमी संवत 2079, शक संवत 1944, शुभकृत संवत्सर, तदनुसार 13 जुलाई 2022 के इस अवसर पर, इस दिन में बहुत सारे जो हमारे अकादमिक सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर के ये आज की ये परिचर्चा आयोजित की जा रही है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, और उसमें जो मुख्य रूप से देखने वाली बात है, उसमें जो एक श्लोक है जो गुरु के स्वरूप को, गुरु का जो तत्व है उसको लेकर के वो कहा जाता है। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं इस श्लोक से कि हम ज्ञान के संदर्भ में ही गुरु की बात हमेशा करते आए हैं। एक तरफ वेद व्यास के साथ गणेश जी बैठे हैं, वेद व्यास लिखवा रहे हैं और गणपति जो हैं वो लिखते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम श्रद्धा के रूप में गुरु के समीप जाते हैं और उनका आशीर्वचन ग्रहण करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गुरु का स्वरूप बड़े सरल शब्दों में हमें संस्कृत में श्लोक के रूप में उपलब्ध होता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। आप देखिए सारे शब्द एक एक करके अपने आप में ही अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, कोई हिंदी में अर्थ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। तो इस श्रद्धा सुमन के बाद हम अपनी बात आगे को थोड़ा अग्रसर करते हैं, क्योंकि सेमिनार जब भी किया जाता है, परिचर्चा जब आयोजित की जाती है, तो उसके मूल में कुछ एक प्रश्न होते हैं। सामान्य रूप से वेबिनार में ये मान लिया जाता है कि हम जो एक बंधी बधाई लकीरों वाला चर्चा है उसको पकड़ेंगे कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है, गु का मतलब अंधकार और रू जो उसको दूर कर देता है, जो आपको ज्ञान दे देता है। लेकिन जैसे ही आप गुरु के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, गुरु के ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो कुछ एक प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। जैसे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु जिन्हें कहा जाता है, और जो असुर हैं उनके गुरु कौन हैं? शुक्राचार्य। अब ये प्रश्न है कि हमारे मनुष्यों के गुरु कौन हैं, किसको हम कहेंगे? जो कि आप नीचे की ओर, अगर आप स्क्रीन के नीचे की ओर देखें तो आप देखेंगे कि गुरुओं के भी कई रूप मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं परमेष्ठी गुरु, परम गुरु, सद गुरु, फिर
आपको कई ऐसे ऋषि मिलेंगे जो गुरु के रूप में हैं, कृष्ण को बहुत सारे लोग गुरु के रूप में, शिव को गुरु के रूप में। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अग्रसर होते चले जाते हैं, हमें संत जो हैं वो गुरुओं के रूप में मिलते हैं, जिनको लेकर के अवधि में कबीर और ये सारे लोग जो हैं वो गुरुओं के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और वहां पर आकर के गुरु का अनपढ़ होना जैसे ये एक लाजमी शर्त हो जाती है, और उन्हीं अनपढ़ गुरुओं की भाषा को पढ़ने में आज सारे के सारे विद्वान लगे हुए हैं। बड़ी एक विडंबनात्मक सी बात हो जाती है। फिर माता गुरु, पिता गुरु, और फिर अब जब 21वीं शताब्दी में आप लोग आ गए हैं तो आपको बहुत सारे बौद्धिक गुरु भी मिलते हैं, जैसे आपको जो लिबरल गुरुज हैं, कम्युनिस्ट गुरुज हैं, और बहुत सारे गुरुओं की कैटेगरीज आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। तो 21वीं शताब्दी में तो गुरुओं की कोई सीमा ही नहीं है, उनके जितने आयाम हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे जो हैं वो जिन्हें आप कहते हैं कि बहुत प्रभावी कर देने वाले, लोक मानस को बिल्कुल प्रभावित कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे गुरुओं को आपने देखा है, और वो गुरु जो हैं कंट्रोवर्सी में भी पढ़ते रहे। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में ज्ञान की अनिवार्यता और ज्ञान की अपर्याप्तता है, जिसकी वजह से हम गुरु के आज सार और उसके रूप को समझने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उसके लिए हमने डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को सादर आमंत्रित किया है कि वो इस विषय के विविध जो पक्ष हैं उनको हमारे साथ स्पष्ट करें। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक बार दोबारा स्क्रीन के ऊपर आ जाइए तो आप देख पाएंगे कि दूसरा जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में प्रश्न था कि मनुष्यों का गुरु कौन है, एक और देवगुरु है बृहस्पति, दूसरी तरफ शुक्राचार्य हैं। उसके बाद फिर नीचे की ओर जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द फॉर्म एंड एसेंस ऑफ अ गुरु, व्हाट डज गुरु डू, और इस गुरु मैटर ऑफ फेथ, बिलीफ और ट्रस्ट ओनली, जैसे कि कई संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं जहां पर केवल और केवल आपने विश्वास ही करना है, इसके अतिरिक्त गुरु के बारे में और कोई आपने प्रश्न नहीं करना। फिर इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी है कि व्हाट डज वेद व्यास मीन, वेद व्यास का अर्थ क्या है, क्या वेद को हम मान ले कि एक संज्ञा शब्द है या इसको क्रिया शब्द के रूप में ले जो एक आदेशात्मक बन जाता है और व्यास उसका विस्तार चला जाता है, और क्या हमें वेद व्यास को नॉलेज मैनेजमेंट के प्रथम गुरु के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से आज हम ये प्रयास करेंगे कि इस गुरु शब्द के विविध आयाम क्या हैं, इसका सार क्या है, इसका प्रारूप क्या है, और उसके लिए हमने, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आज प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को हमने प्रार्थना की थी कि वो इस विषय में हमें उपदेश करें, हमारा मार्ग निर्देशन करें, और इसके जो जितने भी पक्ष हो सकते हैं उन पक्षों से परिचित हमें करवाएं। प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं और चेयरमैन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और उसके अतिरिक्त बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं, निरंतर पठन पाठन अध्ययन और अध्यापन का कार्य वो अभी तक करते आ रहे हैं। तो मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपना श्रद्धा भाव अभिव्यक्त आप सभी की ओर से करते हुए, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज की इस परिचर्चा को सीधे सीधे विषय पर आरंभ करें कि सबसे पहले कि मनुष्यों का गुरु कौन हो सकता है। तो हम उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें। ब्रह्मादिंद ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृभ्यो वंशवशिभ्यो नमो गुरुभ्यो
आज के इस कार्यक्रम में इस परिचर्चा के अंदर शामिल होने वाले आप सभी लोगों के प्रति सद्कामना करते हुए जैसा मुझे कहा गया है, थोड़ा सा माइक बात कर लीजिए, थोड़ा सा या थोड़ा सा लाउड, तो विषय में कुछ हम विचार करते हैं। जो प्रश्न जो है वो बहुत गहरे प्रश्न है, लेकिन इन गहरे प्रश्नों में थोड़ा पीछे जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और इस प्रयास का जो पुराना धर्म यूज की जाती थी उसको लोग कहते थे तपस। तपस जो है वो तप से उसको जानो, तप से ही क्रिएटिविटी आती है। तो गुरु लोगों का एक मैसेज बहुत रहा कि ये जो सतपो तप्यच, वो तप तपा उसने तप किया, और ये तपश्चर्या क्या है, सावधानता ही अवधान में आकर के उसके प्रति जागरूक होकर के जागृत रहते हुए अग्रसर होना जीवन के अंदर, उसी को तपस। डॉक्टर आशुतोष माइक थोड़ा और ठीक करवा दो। तपस थोड़ा सा लाउड, और माइक को थोड़ा सा आप अपने पास कर लें लैपटॉप को। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। तो ये तपश्चर्या जो है इसका संबंध स्वाध्याय के साथ है, कि स्वाध्याय जो है वो स्वयं में अपने आप में तपस रूप ही है, लेकिन इस तपस को प्राप्त करने के लिए दोनों को ही जो इसमें जिन को हम व्यक्तित्वों को आगे लाते हैं सामने, गुरु और शिष्य के दो जो शब्द हैं हमारे सम्मुख, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखें, ये दोनों ही उस तपश्चर्या के आधार स्तंभ हैं। तपश्चर्या से ही ये अपने ज्ञान को संपादित करते हैं, और ये ज्ञान को संपादित करने में भारतीय परंपरा के अंदर जो एक परंपरा ऋषिकाल से जो चली, उस परंपरा को अग्रसर करते रहने के लिए ही ये सारे का सारा आयोजन, ये सारी परंपराएं प्रथाएं, या वर्ष में एक बार हम लोग इस बात को मनाते हैं इस रूप में, तो उसमें प्रतीक रूप में हमने एक प्रकार से परंपरा के जो सर्व प्रमुख आचार्य जो थे वेद व्यास, वेद व्यास के नाम पर ही इस परंपरा का हमने इस नाम रख लिया है। व्यास पूर्णिमा करके भी कह देते हैं, गुरु पूर्णिमा करके भी कह देते हैं। व्यास के विषय में श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आचार्य लोग पाठ करते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे हुल्लार अविंदा यदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण है प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हे व्यास विशाल बुद्धि व्यास, आपने ये भारत की इस भूमि के ऊपर ये महाभारत रूपी जो ज्ञान का भरा हुआ एक ऐसा दीप प्रज्वलित कर दिया है, वो कभी भी समाप्त ना होने वाला, वो ज्ञान जो है वो कभी भी बुझने वाला नहीं है, वो सदा ही प्रज्वलित रहने वाला है, ऐसा वो प्रकाश देने के लिए हम आज के दिन आपको श्रद्धांजलि अर्पित हमेशा करते रहेंगे। और व्यास नाम से ही गुरुओं का भी हम लोग अभिवादन करते हैं, तो व्यास कहकर के ही उनका अभिवादन भी करते हैं। तो उसमें एक जो परंपरा हमारी प्रणाली है उसके अंदर जब हम विचार करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज के संदर्भ में जो बहुत बड़ी समस्या बराबर आ रही है, वो समस्या ये बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है।
वो चल पढ़ वो समस्या क्या है कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रबंधन कैसे किया जाए। मनुष्य को जो पृथक करने वाला तत्व है जीवों से, अन्य जीवों से, वो है ज्ञान। ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो अन्य जीवों से उसको अलग करता है, उस ज्ञान का माध्यम क्या है, वो है शब्द। और ये शब्द जो है, इसी के लिए वैदिक काल में जिस उसने प्रयोग किया, उस प्रयोग किया गया था, वो वाक करके कहा जाता है। वाक में ही परमं ब्रह्म, वाक को ही परब्रह्म माना। क्यों वाक को परब्रह्म माना? वाक को ही सरस्वती रूप में, गुरु के रूप में भी स्वीकार किया, अन्य रूपों में भी उसका वाक का जब स्तवन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं कि विद्या की अधिष्ठात्री वो देवी। तो वो एक ज्ञान की जो परंपरा, जिसके विषय में विशेष रूप से इस देश में लोगों ने ये कहा बहुत पहले भगवद गीता के अंदर जो घोषणा हुई थी कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु कोई है नहीं। और ये ज्ञान क्या चीज है जिसने मनुष्य को समस्त उस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग स्थान दिया है? वो देवताओं के पास भी नहीं है। वो असुरों के पास भी नहीं है। जो पौराणिक परंपरा है, आज परंपरा है, वो इस बात को मानती है कि मनुष्यत्व जो है, उस मनुष्यत्व के अंदर मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने की जो सुविधा है, उसमें एक संपूर्णता आने की संभावना बनी हुई है। भोग और मोक्ष के अंदर संपूर्णता, संपूर्णता से क्या अभिप्राय है, इस संपूर्णता को भी पूर्णिमा के माध्यम से समझिए। जैसे भी कि पूर्णता क्या है, कहीं पर यत्रास्ति भोग नहीं तत्र मोक्ष, कहीं पर भोग है लेकिन मोक्ष नहीं। और भोग शब्द को स्थूल अर्थ में ना समझा जाए, उसका सही संदर्भ समझा जाए कि उसका अभिप्राय आनंद से है। तो कहीं पर तपस्या है तो आनंद नहीं है, बड़े कष्ट से हम चल रहे हैं, कहीं पर आनंद है तपस्या नहीं है, तपश्चर्या नहीं है। तो लेकिन ये उसके अंदर हमारी जो दो स्थितियां हैं, जो इस बात को स्वीकार करके चले कि ज्ञान के जैसा कोई वस्तु अन्य पवित्र, ज्ञान के सदृश और मनुष्य का जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट को बताने वाली ज्ञान के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए उस ज्ञान को अगर सही दिशा में प्रवाहित कर लिया जाए तो मनुष्य जो है वो उस संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। असंपूर्णता के अंदर वो क्या करता है, अपने लिए और दूसरों के लिए वो सदैव एक समस्या ही बन करके जीता है। इसलिए संपूर्णता जो है वो ज्ञान में, ज्ञान से ही संपूर्णता आने की संभावना है। ज्ञान में संपूर्णता कैसे आएगी कि ज्ञान को दो शक्तियों की अपेक्षा रहती है। दो शक्तियों की अपेक्षा क्या रहती है कि ज्ञान जो है उसमें दो शक्तियां उसके दाएं बाएं, एक और है इच्छा शक्ति और दूसरी तरफ उसकी है क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति जो है ज्ञान में जब आती है, ज्ञान के लिए इच्छा होना जो है ये बहुत जरूरी है। इस इच्छा के बिना ये जिज्ञासा नहीं बनेगी, और जिज्ञासा ही नहीं बनेगी तो बहुत से लोग ऐसी स्थिति में आते हैं कि वो ज्ञान के विषय में उनको कोई औत्सुक ही नहीं होता है, इस बात का कोई वो सही मूल्यांकन ही नहीं कर पाते हैं कि मनुष्य होने का मतलब क्या है। ये समझना प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है प्रायः। जब वेद व्यास स्वयं महाभारत में ये कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा मुझे कोई सत्य नजर नहीं आया, नहीं मानुषात श्रेष्ठ धर्म ही किंचित, तो उस मनुष्य की बात कर रहे थे। वो मनुष्य जो मनने नोपजीवती, जो मनन से जीता है, जो उसमें चिंतन से जीता है, सर्वोपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणः, जीने को तो पेड़ भी जीते हैं, जीने को पक्षी भी जीते हैं, पशु भी जीते हैं। जो वशिष्ठकार कहते हैं सर्वोपि जीवंती जीवंती मृग पक्षिणः स जीवति
थी मनोयस्य मनने नो बदी होती, लेकिन वास्तव में वही जीता आदमी है, जीना उसी का सफल है, सार्थक है, जो मनन से जीता है। इस मनन को ही ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान तब तक नहीं आता जब तक इच्छा शक्ति का उदय साथ में नहीं होता है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं। इसलिए सबसे पहले इच्छा शक्ति का उदय जब हो कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, तो उसका उसके लिए जो शब्द प्रयोग हमने किया अपने दर्शनों में, उसे कहा जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा होना, ये एक पुण्यों का संचित परिणाम है कि हमें जिज्ञासा हमारे भीतर पहले इच्छा का उदय, इच्छा का उदय होने के साथ साथ उसमें क्रिया का उदय हो। इच्छा उदय हो ज्ञान के प्रति पर्याप्त नहीं है, उसके लिए क्रिया का उदय होना बहुत जरूरी है। क्रिया का उसमें जब तक उदय नहीं होगा तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा होते हुए भी वो करेगा कुछ नहीं, अग्रसर नहीं होगा, उसमें गति नहीं आएगी। तो ऐसी इच्छा जो क्रिया को अग्रसर करे और ऐसी क्रिया जो इच्छा को पूर्णता की ओर ले जाए, उसके आने से ज्ञान में संपूर्णता आती है। और इस ज्ञान की संपूर्णता में इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए जो हमने शब्द प्रयोग किए कि उसके लिए हम लोग क्या करें, इस जिज्ञासा को परिपूर्ण करने के लिए क्या करें हम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें मूलम अन्विच्छ, अपने मूल की तरफ जाओ। लेकिन ये कौन कहे कि मूल क्या है, मूल का पता नहीं लगता। उस मूल ज्ञान को जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। तो ये एक दूसरा जो उसका था जिज्ञासा वाला जो सिरा था, जो जिज्ञासा वाला एंड था, वो किसके साथ जा करके मिला, वो गुरु के साथ जा करके मिल गया। अब गुरु के पास जैसे वो जाता है तो गुरु के लिए जैसे आज परंपरागत रूढ़ अर्थ हम प्रयोग करते हैं और उस प्रकार का कोई कोई विपत्ति लभ्य अर्थ शास्त्र से या निर्वचन से हम उसको करें तो बात समझ में कोई खास नहीं आती है। वो केवल शास्त्रीय विद्वानों के लिए उसका उपयोग होता है, लेकिन सामान्यतः ये दो शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उसमें गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं हम, और या सामान्य प्रयोग में हमारे जो आ रहा है वो सदगुरु का प्रयोग करते हैं। और गुरु का प्रयोग, सदगुरु शब्द का प्रयोग, यही मुख्य रूप से चलता है। तो वो क्या है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये श्लोक सब लोग पढ़ते हैं, बड़ा पॉपुलर श्लोक है ये, कि ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का वो एक नेत्र जो है, ये नेत्र कौन सा है, ये तृतीय नेत्र है या कौन सा नेत्र है, ये उस नेत्र में जिन्होंने ज्ञान का अंजन लगा देने से प्रकाश उत्पन्न कर दिया है, ऐसी हम उस गुरु के स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न उठता है उसमें ये बहुत मंथन हुआ इसके ऊपर कि कौन को कहाँ कहाँ पर किस मोड़ के ऊपर कौन से गुरु, श्री गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु, सदगुरु, और यानी कितनी कितनी गुरु परंपराओं का उसमें परिचर्चा, और बहुत क्योंकि ऐसा स्वीकार किया गया कि वास्तव में गुरु जो है वो साक्षात इष्ट स्वरूप होते, वो साक्षात भगवत कृपा जो है जिसके ऊपर वो दिव्य की कृपा होती है, डिवाइन जो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति की कृपा से ही जिज्ञासा होती है, और उस दिव्य शक्ति के अनुग्रह के कारण ही ये जो उसमें दैवी अनुग्रह के कारण ही गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है। या कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं जो दिव्य शक्ति है वो स्वयं ही गुरु रूप में अवतरित होती है। गुरु पद का सामान्य अर्थ तो जन्म से लेकर मनुष्य जब चलता है तो हम देखते हैं कि जो बाह्य ज्ञान है, बाह्य ज्ञान में भी गुरु की अपेक्षा रहती है। बाहरी वस्तुओं के ज्ञान में भी, चाहे वो छोटा मोटा ज्ञान है, वस्तुओं का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है, विज्ञान है, अज्ञान, ज्ञान के भेद जो किए गए उनके अंदर, और उपनिषदकारों ने
उन क्या है आज्ञानम संज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम, चार प्रकार से उन्होंने कहा कि आज्ञान जो है वो है हमें प्राप्त होने वाला जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, उसमें भी माता से पिता से सब लोग गुरु का काम ही करते हैं, उन सब से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो भौतिक ज्ञान के हमारे सामने आता है एंजिक बोध से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सारा आज्ञान के अंदर आ जाता है, और संज्ञानम ये वाक के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और तीसरा जो है उसमें आगे फिर गुरु अग्रसर होता है, अगला गुरु जो है वो पिता स्वयं आगे जाकर के उसे टीचर के पास ले जाता है और उसको जाकर के वो विज्ञान की तरफ ले जाता है, ये विशिष्ट ज्ञान की तरफ। विज्ञानम शिल्प शास्त्र, विज्ञान माने शिल्प और शास्त्र में भी गुरु की अपेक्षा रहती है, वहाँ पर भी गुरु जो है वो उन्हें अग्रसर कर देते। लेकिन मनुष्य की चरितार्थता जहाँ तक नहीं है उसकी जो संभावनाएं हैं मनुष्य के अंदर, जो मैंने पहले बात आपको कही थी कि जो देवताओं के पास भी नहीं है और असुरों के पास भी नहीं है, वो मनुष्यों के पास उसकी संभावना इस कारण से गायन्ति देवा अखिल गीतिकानी, कि देवता जो है वो भी इस बात के लिए तरसते हैं कि भारत में उनका जन्म हो, और तो भारत में जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के वो इस सिद्धि को प्राप्त करें, इस पूर्णता को प्राप्त करें। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पूर्णता, और उस पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की पूर्णता से, और ज्ञान की पूर्णता कैसे होगी? उसमें गुरु उपाय, उसमें उपाय जो है वो गुरु ही एकमात्र उपाय है, और ये गुरु जो है स्वयं अपने भीतर से ही उन्होंने जागरूक किया शक्ति को, और शक्ति के प्रश्नोत्तर पदे वाक्य, शक्ति प्रश्न करती हैं और शिव जो है उसका उत्तर देते हैं, इसी से शास्त्रों का विद्याओं का अवतरण हो गया, नाना प्रकार की आध्यात्मिक विद्याओं का। विश्व के अंदर जितनी भी विद्याएं वो लौकिक विद्याएं हैं या आध्यात्मिक विद्याएं हैं या रहस्य ज्ञान है, जो जितना मिस्टिक नॉलेज है, उन सभी ज्ञानों के अंदर कहीं ना कहीं एक गुरु परंपरा की अपेक्षा रहती है। भीतर जो पूर्वजों का ज्ञान है उस पूर्वज ज्ञान को उसने समेटा है, और उस पूर्वज ज्ञान के अंदर हरेक जनरेशन जो है वो उसमें कुछ और नया बढ़ाती जाती है, फिर और अग्रसर करती जाती है। उस परंपरा को अग्रसर करने के लिए एक पूर्णता का मॉडल रख दिया गया कि ये पूर्णता को प्राप्त हुए बगैर मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, वो तब तक शांति को प्राप्त नहीं करता है जब तक वो उसने उस स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेता जो ज्ञान का मूल स्रोत है। तो ये ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो क्या है? उस ज्ञान के मूल स्रोत की जब हम चर्चा करते हैं, ध्यान उसमें थोड़ा सा ले जाइए कि आध्यात्मिक ज्ञान है या भौतिक ज्ञान है या और जितना भी ज्ञान है, सभी प्रकार के ज्ञान का मूल जो है, जो पूर्णता की ओर उसे ले जाता है, वो जाकर के कहा उन्होंने कि वो मनुष्य का स्वात्म है, तो आत्मा हमारे द्रष्टव्य, ये आत्मा देखने की वस्तु है भाई, ये श्रोतव्य। उसके लिए प्रक्रिया फिर स्पष्ट कर दी कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, ये आत्मा ही देखने की वस्तु है। पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि आत्म में स्थित होना, स्व में स्थित होना जो है ये स्वस्थता का नाम ही पूर्णता है। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य,
ये आत्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य श्रोतव्य श्रुति वाक्यष्ट, गुरु के द्वारा पहले श्रुति के वाक्यों में इसको सुनना चाहिए इस आत्मा के बारे में, क्योंकि स्वयं में मनुष्य को तो पता नहीं लगता है कि आत्मा क्या है। किसी भी जीव को, किसी भी बच्चे को, किसी को पूछें कि बेटा तुम्हारी आत्मा, तो उसको क्या पता बेचारे को कि आत्मा क्या है। तो पहले शब्द बोध जो होता है, शब्द के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको परंपरा के अंदर ये कहा जाता है कि ये एक तरह का आगमात्मक ज्ञान है, तो बाहर से आता है, तो शब्द के माध्यम से उसको प्राप्त होता है श्रोतव्य श्रुति वाक्यष्ट, और उसमें भी केवल श्रुति के वाक्यों में ही इस आत्म का जो संकेत किया गया है सबसे पहले और अब भी, वो तो श्रुति के ही वाक्यों को, वाक्यों के माध्यम से ही आत्मा के विषय में हमारा पहले एक सरसरी तौर पर परिचय होता है। और ये जो परिचय है, ये परिचय को जब और गहन करना पड़ता है, तो उस परिचय को जब आप गहन करते चलते हैं, तो वो कहते हैं कि मंतव्य श्रवण मात्र से ही काम नहीं होगा बेटा, कि तुमने पुस्तकों में पढ़ लिया, वेदांत सार पढ़ लिया, या ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, या तुमने पंचदशी आदि संक्षेप शारीरिक आदि ग्रंथों को पढ़ लिया, उतने मात्र से काम चल जाएगा, इतना पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी पुस्तक ग्रंथों में पढ़ने के बावजूद भी बहुत सारी सूचना इकट्ठी हो जाएगी आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में भी बहुत सूचना इकट्ठी हो जाती है, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए वो साक्षात्कार जो है वही पूर्णता का वाचक है। ये साक्षात्कार जो है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णता कहते हैं, ये पूर्ण चंद्रमा जो है, चंद्रमा का संबंध है मन के साथ, उस मननात मनन के साथ चंद्रमा का, चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा स्थिति के द्वारा संकेत किया जाता है कि चंद्रमा जो है वही मनुष्य का मन स्थानीय है, वही बोध स्थानीय है। फिर मंतव्य ऐसे ही क्या होगा, मंतव्य ऐसे कहते हैं कि मनन करते रहे, मनन करते करते उसके अंदर कुछ दोष निवृत्त हो गए, लेकिन फिर भी उसके अंदर संशय निवृत्त हो गया, विपर्यय निवृत्त हो गया, उसमें भ्रम की थोड़ी बहुत, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कहीं इंटेलेक्चुअल अहम जो है वही आकर के खड़ा हो गया कि मैं बहुत भी हो गया हूँ, बहुत जानता हूँ, बहुत कर, तो वो भी बाधक बन जाता। तो उस प्रत्येक मोड़ के ऊपर गुरु है जो उसको संकेत देता है कि नहीं, ये तुम्हारा जो अवरोध है, ये अवरोध जो है तुम्हारा, इस अवरोध से तुम्हें निकलना है इसको, तो वो उसमें गुरु वाक्य जो है वहां पर। इसलिए ये कहा गया कि देखो ये जो ज्ञान है ये बहुत पवित्र है, लेकिन ये ज्ञान जो है इसका बोध जो है गुरु वाक्यों से ही, गुरु ही उसकी ओर संकेत देता है। और संकेत गुरु के प्रति संकेत कब देता है, वो कि श्रद्धावान, जब तुम श्रद्धावान होकर के उसके पास, शिक्षण जो विज्ञान है वो उन खंड ज्ञानों को उदय देता है। उसके अंदर ये है कि आज एक थ्योरी आ रही है, कल दूसरी थ्योरी आ रही है, और कल तीसरी चौथी, तो कहां पर खड़ा हो मनुष्य, ये उसको एक बड़ी कठिनाई उसके सामने आती है। तो इसके लिए वहां पर संकेत किया गया, विज्ञान के अंदर नहीं प्रॉब्लम है, ये अध्यात्म ज्ञान के अंदर भी प्रॉब्लम है कि एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान, दूसरे से तीसरा, उसने कहा कि मेरे यहाँ पर, मेरी दुकान पर आ जाओ, मेरे ही यहाँ पर तुम्हें ब्रह्म का बोध हो जाएगा, वो कहता है मेरे यहाँ आ जाओ, मैं ही आपको साक्षात्कार करा दूंगा।
सभी अपने अपने साक्षात्कार का, तो वो कहता है उनके ऊपर योग वशिष्ठ का थोड़ा सा आक्षेप करता है कि गुरुवा बहवस्ता शिष्य बिट्टा बाहर का, ऐसे ऐसे गुरु जो हैं बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन गुरुओं के लिए एक कर्म का प्रयोग सदगुरु करके भी किया जाता है साहित्य में। ये सदगुरु और सदगुरु तो है जो उसमें श्रद्धा के साथ आपको दिशा में ले जाता है, लेकिन असदगुरु का भी एक स्थान है अपना, वो दूसरी विद्याओं में असद विद्याओं के अंदर। असद का मतलब यहाँ बहुत नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, असदगुरु से अभिप्राय ये है कि वो उसके अंदर आपको लौकिक विद्याओं के अंदर आपका प्रवेश कराने में ही उसकी आवश्यकता है, वो आपको स्वरूप की ओर उन्मुख नहीं करता। स्वरूप की ओर उन्मुख करके पूर्णता की ओर ले जाने वाला जो है उसके प्रति श्रद्धा का होना बड़ा आवश्यक है। और श्रद्धा को हम क्या समझें कि श्रद्धा से मतलब आज हम लोगों को समझने की जो परिपाटी चली हुई है वो ये है कि अनुवाद से, हम अनुवादों से समझते हैं कि श्रद्धा के माने फेथ है, बिलीफ है। श्रद्धा का ये बड़ा ही बहुत ही हल्का अनुवाद है, फेथ है, विश्वास है, ये श्रद्धा का श्रद्धा के लिए सही शब्द नहीं है। ये श्रद्ध शब्द जो है वो मूलतः वैदिक शब्द है जिसका मौलिक अभिप्राय है सत्यम। सत्य शब्द श्रद्ध जो है, श्रद्ध पद का वेद में जो अर्थ है वो है सत्यम। सत्यम धीयते अनया इति श्रद्धा, सत्य जिससे प्राप्त किया जाता है वो श्रद्धा है, जिससे सत्य प्राप्त किया जाता है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ न वेद है न बिलीव है कि मैं इसके ऊपर विश्वास करो वो गुरु तुम्हें पार करेगा वो करेगा। बहुत हल्के स्तर पर लोग ये बातें सब कर जाते हैं, लेकिन श्रद्धा पद का भी जो अर्थ है वो उसको नीचे की ओर डिजनरेट करते चले गए। तो श्रद्धा का अर्थ ये हो गया, फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, हर कोई कहने लगा मुझे आप पर बड़ी श्रद्धा है। अरे श्रद्धा सत्य को धारण करने की जो अग्नि है, श्रद्धा अग्नि समिध्यते, श्रद्धा से ही अग्नि का समिंधन होता है। तो श्रद्धा अग्नि रूपा, सत्य को कौन धारण करे? इस सत्य को धारण करने का जो सामर्थ्य है, सत्य को सचमुच में सत्य के प्रति लगाव होना, सत्य के प्रति निष्ठा होना, निष्ठा भी एक शब्द है जो हमारे दर्शन में बहुत सार्थक। निष्ठा का अर्थ क्या है कि तादात्म्य, सत्य के साथ अपने को तादात्म्य करके चलने का प्रयास करना। इस दिशा में ये गुरुजन ही संकेत करते हैं कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक, इसलिए सोम उपनिषदों के अंदर संकेत करते हैं श्रद्धा आशीर्वाद देते हैं उसको कि श्रद्धा में आओ, श्रद्धा 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 करो, श्रद्धा जब सत्य का वर्णन करोगे तुम तब फिर तुम्हें सत्य का वर्णन करने के लिए तो मैं तुम्हारी उसमें जो सहायता कर सकता हूँ, गुरु उसमें उसके सहायता करता है उसके अंदर। उसके लिए गुरु के लिए ये अपेक्षित नहीं है कि उसके लिए गुरु उसके लिए कोई कंडीशन रखेगा या कुछ इस तरह का। इसलिए आध्यात्मिक प्रणाली के अंदर गुरु का जो परम पद है उस परम पद के साथ ही गुरु को जोड़ दिया गया। और ये कहा गया कि शिव ही स्वयं गुरु रूप में अवतरित होते हैं। छात्रों ने कहा कि नहीं, शक्ति जो है वही गुरु रूप में अवतरित होती है। वो श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति भावना उपनिषद के अंदर प्रथम सूत्र के अंदर ही ये संकेत दिया गया कि श्रद्धा वो जो है तुम वो श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति, जो शक्ति जो है वही सर्व कारण भूत सभी कारण। इसलिए मनुष्य के भीतर समस्या जो है अगर उसे हम एक समाहित करें, अपनी सारी बात को केंद्रित थोड़ा करें, उसको बिखराव से न ले जाकर, बिखराव की तरफ न ले जाकर, तो अभिप्राय यह है कि मनुष्य को पूर्णता के बोध की कैसे ले जाया जाए
ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूर्णता की ओर अगर वो नहीं जा पाएगा तो अपूर्णता के अंदर वो जो है वो दुख का ही संचार होता चला जाता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, और सुख भी दुख रूप ही बन जाता है, दुख जो है जिसको वो सुख समझता है। इसलिए वहां पर अपूर्णता के अंदर जो जीने वाला व्यक्ति है, अधूरेपन में जीने वाला व्यक्ति जो है, उसके लिए हमें जो शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान नारद जाते हैं सनत कुमार के पास, तो कहते हैं कि उसमें शोकम करती आत्मवित, जो अपूर्ण है वो शोक में ही रहता है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो खंड ज्ञान है, जो टुकड़े टुकड़े ज्ञान है, इसके माने ये हो गया कि हम दो भेद करके चल रहे हैं। एक है बाह्य गुरु जो हमें खंड ज्ञानों की ओर अग्रसर करता है, और अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो वो खंड ज्ञानों को लाने वाला गुरु जो है उसके प्रति भी श्रद्धा का भाव रहना ही चाहिए। वो खंड ज्ञानों के साथ वो हमें जो परिचित कराता है, वो एक स्थिति तक अग्रसर करता है, आगे जा करके वो अग्रसर करने में दूसरा जो व्यक्ति है वो दूसरे गुरु की हो जाती है। तो वो खंड ज्ञानों से होते हुए जो अखंडता में हमें जीने की ओर ले जाता है, संपूर्णता की ओर ले जाने का जो प्रयास करता है, वो उसे वो उन्होंने कहा वो तो या तो स्वयं शिव ही मनुष्य मानुषम देह मार्शिता, शिव जो है वो स्वयं ही मानुष देह को धारण करके गुरु में अवतरित होते हैं, और वो उस गुरु रूप में अवतरित होकर के वो ऐसे लोग शिष्य लोग जो माने संसार के जो जीव हैं, मोहग्रस्त शोकग्रस्त जो जीव हैं, उनको वो शोक और मोह से एक प्रकार से मुक्त करता है। तो माने ये कि गुरु का एक दायित्व हो गया कि गुरु वह है जो शिष्य को शोक और मोह से मुक्त करता है, वही मात्र गुरु है। जो शोक और मोह से मुक्त नहीं कर पाता है वो गुरु पद का केवल मात्र एक शब्द का प्रयोग हम करें। तो इसलिए गुरु किस प्रकार से करता है मुक्त आपको, हम कहते हैं कई बार अध्यात्म परंपरा के अंदर भी और लोक परंपरा के अंदर भी कई बार कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, वो व्यक्ति जो है वो दर्शनार्थ स्पर्शनार्थ शब्दार्थ दृष्टि मात्र से ही, कई लोग होते हैं वो दृष्टि मात्र से ही हमारी चेतना को लोकोत्तरता में ले जाते हैं।
स्वरूप है, लेकिन दूसरे लोगों को उपदेश से ही ये ज्ञान मिलता है। इसलिए इसे ज्ञान की परंपरा को, ज्ञान की परंपरा को थोड़ा छोटा करके आज नहीं लेना चाहिए। ज्ञान के माने सिर्फ ये बौद्धिक ज्ञान यानी छोटा छोटा ज्ञान, इस संपूर्ण उसकी अपनी संपूर्णता में जो ज्ञान है, जिसके लिए श्रुति के अंदर जो महावाक्य प्रयोग किया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो सच्चिदानंदाद्वयम् चित् स्वरूप चैतन्य जो है, चैतन्य ही ज्ञान का स्वरूप है, चैतन्य ही ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य की संभावना मनुष्य में जागृत होने की यहाँ के ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, सबने उसको स्वीकार किया। सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये वो इस मनुष्य के अंदर संभावित है, इसलिए ये मनुष्य जंतूनां नरगणमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम् अस्मात्। आचार्य शंकर कहते हैं कि बड़ा मनुष्य जो है ये नरजन्म दुर्लभम, मनुष्य में ये मनुष्य मनुष्य के शरीर धारण करना बड़ा दुर्लभ है, और इसके अंदर संभावनाएं इतनी हैं। अब अगर न संभावना जागृत हो तो आप कुछ भी नहीं है, आप तो आप केवल मात्र उतने ही हैं। जिसके लिए वो लोगों ने कहा ना कि ये वो सोना उठना खाना पीना बैठना में जो कुछ है वो सब उसमें कोई पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो जिसका साहित्य संगीत कला विधिना साक्षात पशु कुछ विषाण करके लोग संकेत करते हैं कि पशु रूप ही है, तो वो पशु रूपता जो है उस पशु रूपता तक ही मनुष्य सीमित नहीं है। लेकिन हमारे सारा जो इंद्रिय भोग है, हमारे सारे जो खंड ज्ञान है, वो हमें हमारी पशु वृत्ति से ऊपर जाने के लिए बाधा डालते हैं। उसमें क्या है कि किसी की एक इंद्रिय में ही आ सकती हो, किसी की दो में, किसी की कहीं, वो वहीं पर आसक्ति के माने क्या है, आसक्ति कोई नेगेटिव ऐसा शब्द नहीं है। आसक्ति जो है वो है कि हमारा कहीं पर उसके अंदर जा करके हम अवरोध हो गया, हमारा हम रुक गए। हमें इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करना था, हमने शब्द का ज्ञान प्राप्त किया, शब्दात्मकम समस्तम, सारा जो भुवन है ये क्या है, शब्द रूप ही है। सभी जगह दुनिया में मनुष्य जीवन जितना है ये सारा शब्द के द्वारा ही बंधा हुआ है, कुछ संस्कृत हो चाहे पाली प्राकृत, दुनिया की सारी दुनिया की भाषाएं हों, शब्दात्मकम ही भुवनम समस्तम, ये सारा भुवन जो है शब्द में ही बंधा हुआ है, शब्द से ही चला हुआ है। और जहाँ ये शब्द मनुष्य का शब्द नहीं है वहां पर दूसरा नादात्मक नाद रूप जो शब्द है, जीवों में, जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, सर्वत्र प्रकृति के अंदर, नदियों में नाद, सर्वत्र नाद ही फैला हुआ है। लेकिन ये शब्द जो है, शब्द को कहते हैं, शब्द की जो सीमा है, शब्द जो है वो उसका पता कैसे चलता है, तो वो श्रोतेंद्रिय वृत्ति जो है, श्रोत्र और वाक के माध्यम से उस शब्द का पता चलता है। शब्द अगर श्रोत्र हमारा कान और वाक वाणी नहीं है तो हमें उस शब्द के बारे में क्या पता है, हम उतना ही जितना सीमित है। शब्द से वृत्ति जो है वो उसमें वो इंद्रिय ग्राह्य वो इंद्रियों तक ही सीमित है।
गुरु जो है वही एकमात्र ऐसा जो, क्योंकि गुरु को क्या है, गुरु जो है वो निष्प्रिय भाव से अनुग्रह शक्ति का है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उड़ना सीखा है ये भी उड़ना सीखे लोग, इनको भी ऐसे ही उस अनंत आकाश के अंदर विचरण करने का, वैसे ही उड़ने का इनका भी अधिकार है। क्योंकि मनुष्य देह में ये संभावनाएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय परंपरा के अंदर ये जो ज्ञान की परंपरा है, इस ज्ञान की परंपरा को अग्रसर करने के लिए जिन लोगों ने ये बहुत काल से प्रयास किया है, चिरंतन काल से ऋषि परंपरा ने इसको अग्रसर किया, ऋषि परंपरा ने इसको इसका बहुत बड़ा स्रोत पीछे रख दिया और उस स्रोत में से कई धाराएं निकलती हुई आगे, निगम आगम सर्व धाराएं जो है उनके आगे से निकलती हैं। लेकिन उन धाराओं के साथ जो परिचय कराना है, मनुष्य सृष्टि का ये एक अलग से दायित्व तो बन गया। इसलिए संतों ने, वैष्णवों ने तुलसीदास जब भी कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति तुम्हें जो दिव्य दृष्टि ही होती, अरे हम गुरु को जब याद करता हूँ तो हमारा रोम रोम हर्षित हो जाता है। श्री गुरु पद नख, श्री गुरु के चरणों के जो नाखून है उनमें से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, आलंकारिक भाषा के अंदर जब बुद्धि की बस हो जाती है तो हम कहते हैं कि हृदय में प्रवेश कर, उस हृदय के अंदर ही तुम्हारा आत्मा है। इसलिए हार्दम माना हार्दम, वो हार्द जो तत्व है, हार्द जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तत्व ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसके अंदर ले जाने का जो प्रयास है। तो मनुष्य जीवन का वो जो कहते हैं कि सुमिर दिव्य दृष्टि ही होती, स्मरण करने मात्र से ही हृदय की आंखें खुल जाती हैं। उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख मति रजनी के, हमारी बुद्धि के ऊपर जो रात्रि का अंधकार छाया हुआ होता है तो प्रकाश की पूर्णता का ज्ञान हो जाता है। ऐसा कहकर के गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरित मानस में गुरु के प्रति श्रद्धांजलि उपस्थित करते हैं। तो ये एक परंपरा को जिन्होंने जीवित रखा वो सब लोग गुरु ही थे, वो सर्वे गुरुवः, वो सभी शिव रूप हैं, शक्ति रूप हैं, शक्ति रूप में भी और शिव रूप में भी, पुरुष रूप में भी गुरु है, स्त्री रूप में भी गुरु है। इसलिए दोनों रूपों में ही ये गुरु परंपरा जो चली, उस गुरु परंपरा का महत्व ये रहा कि उन्होंने मनुष्य को अपना मूल्यांकन करने का इशारा दिया है, नहीं तो मनुष्य को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। वो पशुता में जब आता है तो वो बड़ा ध्वंस करता है, उसका स्वरूप आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, ऐसा भी ध्वंस करता है कि उसे ये भी भूल जाता है कि उसका अपना अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, तो आत्महंता बन जाता है। श्रुति जब ये कहती है ये कि चात्महन हो जाना असुरिया नाम तेलो का अध्ययन कम साधिका, वो अंध लोगों के अंदर उनका प्रवेश होता है, ये के चात्मनो, जिन्होंने मनुष्य शरीर में आकर के अपने आत्म को नहीं देखा है, आत्म को न समझना ही आत्महंता होना है। आत्महंता का मतलब गले में रस्सी डाल के मरना नहीं है, संभावना के होते हुए संभावनाओं को नहीं उभारना, पता है कि यहाँ प्लांट उठ सकता है और वहां आप पानी नहीं दे रहे हैं, और जहां आप पानी दे रहे हैं वहां प्लांट है ही नहीं है, तो बीज ही नहीं, तो ऐसी जगह पर आप जब पानी दे रहे हो जहां बीज के उगने की संभावना नहीं है तो वो व्यर्थ किया, और जहां देना चाहिए था वो सूख गया उस स्वरूप में, तो एक जीवन उससे व्यर्थ में चला गया है। इसलिए ज्ञान का दायित्व यह था सार्थकता को लाना,
मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझाना, उस समझाने के लिए ऋषियों से लेकर के गुरुओं के लेकर के ये सदगुरु, सदगुरु के साथ साथ बीच में असदगुरु भी चलते रहे, असदगुरु की भी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये कई बार स्थिति जो है वो बहुत समाज में है, लोगों की स्थिति जो है विकृत हो जाती है, लोगों में मानसिक रुग्णता आ जाती है और वो एक तरह के स्लेवरी की ओर तक, दासत्व की ओर चले जाते हैं। दासत्व नहीं, गुरु जो है वो स्वामित्व देता है, क्योंकि वो स्वयं स्वामी, इसलिए जो स्वयं स्वामी है वो दास क्यों बनाएगा किसी, वो उसे स्वामित्व देता है, इसलिए वो स्वामित्व की परंपरा की रक्षा करने वाले वेदव्यास, वेदव्यास को महाभारत लिखने के बदले में क्या मिला, क्या लेना था उसे, वो भारत महाभारत में नहीं है, कहता विश्व में कहीं नहीं है, जो कुछ विश्व में है वो सब भारत महाभारत के अंदर विद्यमान। तो उस वेद व्यास को आज के दिन हम उन समस्त गुरुओं का एक प्रतिनिधि रूप में, क्योंकि वेद व्यास से ही हमने सारी परंपरा को अपने उस श्रद्धा को, क्योंकि हमने इसके लिए बताया कि एक एक गुरु को एक एक इधर उधर खंड खंड गुरुओं को कर करके भी हम देखें तो उसमें सब टूट जाते हैं, तो सारी गुरुता को, सारे गुरुओं के प्रकार भेदों को वेद व्यास में डाल करके हमने जब देखा तो प्रणाम किया, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि हे व्यास नमोस्तुते, बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि सार्थक नाम है गुरु जो नाम, गुरु पद में वो सभी गुरु, उसके अंदर कोई आस्तिक नास्तिक का नहीं, जो आगम के हैं निगम के हैं सभी, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा को, जिनकी आस्था ज्ञान में है वो सभी गुरु, जो ज्ञान में मनुष्य के ज्ञान के प्रति जो आस्थावान है, मनुष्यों को उस मानव की वृद्धि करने के लिए अग्रसर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए वो सभी गुरु हैं, उन्हें लोकनाथ कहिए, स्वामी कहिए, साधु कहिए, संत कहिए, जो भी नाम संज्ञा दें, वो गुरुभ्य बहुवचनांत प्रयोग के अंदर, बहुवचनांत प्रयोग के अंदर हमें ला करके और उसमें व्यासाय, वो व्यास जो है उनको येन प्रया भारत तैन पूर्ण प्रज्वलित ज्ञान है प्रदीप, और भगवद्गीता उसी महाभारत का अंश है, उसी के अंदर पंच रत्नानि भारते, महाभारत के अंदर पंच रत्नों का लोग जो है पांच स्त्रोत्र अनुगीता वगैरह उन सब का लोग विष्णु सहस्रनाम आदि उन सभी का भारतवर्ष के अंदर बहुत लोग जो हैं पहले भी करते रहे हैं उनका उच्चारण और पाठ समझने के लिए और अब भी करते हैं, वो सारी जो मनुष्यों की धर्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा जितनी भी जिज्ञासाएँ हैं वो पूर्ण करने का दायित्व जिन लोगों ने अपने ऊपर लिया हुआ है, उन समस्त गुरु परम्परा को, गुरु पंक्ति को, गुरु श्रेणी को अनेक रूपों में भी नानात्व में, वो नानात्व जो गुरु हैं, गुरुओं का जो नानात्व है उसी के अंदर वेद व्यास, उसके अंदर एक यूनिफाइंग फोर्स है, प्रत्येक गुरु ही व्यास है, क्योंकि वो शिष्य के उस मुद्रित घुटे हुए मन को वो ओपन करता है, ये जो अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना, मनुष्य की चेतना जब खुलती है तब उसे पता लगता है कि वो सचमुच में कृतार्थ हुआ, वही कृतार्थ नहीं हुआ बल्कि सारी मानवता उस एक व्यक्ति का जन्म लेने से मानवता कृतार्थ होती है, तो इस कृतार्थता को अनुभव करते हुए मैं समझता हूँ कि आज का ये दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसमें उस गुरु तत्व के माध्यम से उस ज्ञान परंपरा को, क्योंकि गुरुओं का जो संकल्प बल था, गुरुओं की जो वाणी थी वो भी गुरु रूपा ही होती है, वो वाणी भी गुरु रूपा है, इसलिए वो एक गुरु रूपा जो वाणी है उसका हम अनुशीलन करते हुए उस मनुष्यता के प्रति एक उस परम ज्ञान पूर्णता के ज्ञान की तरफ अग्रसर होते रहें, इन्हीं संकल्पनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सभी के प्यार की इस परम बहुत ही पुण्य पर्व के दिन सभी शिक्षक लोग और सभी जो शिक्षित लोग हैं
शिक्षक हैं, शिक्षित हैं और जो शिष्य हैं, वो सभी लोग आज के दिन कोई ना कोई रोशन अपने जीवन में व्रत को धारण करें, ज्ञान व्रत को, क्योंकि नहीं जाने सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र वस्तु मनुष्य के लिए और कुछ है नहीं है। इसलिए सभी उस व्रत को धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त करें। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने कवि को यहाँ ज्ञान देता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों के प्रति धन्यवाद। जो शब्द है ये तो पर्याप्त नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि जितने पक्षों को आपने छुआ है और जितना विस्तार आपने लिया है और जितने आयाम आपने हमारे लिए स्पष्ट किए हैं आज की इस परिचर्चा में, उसके लिए तो हम आपको प्रणाम ही कर सकते हैं। एक बात जरूर मैं समझना चाहता हूँ, हालांकि ये सत्र हमारा जो होता है लेक्चर के बाद का परिचर्चा का प्रश्नोत्तर का ही होता है, तो आप में से जो लोग भी कोई प्रश्न, कुछ संशय या जो भी आपकी जिज्ञासा हो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। डॉक्टर ज्योति शर्मा, डॉक्टर चंचल शर्मा, डॉक्टर ऋतु तलवार जी और डॉक्टर निहाल खान, डॉक्टर दिशा और डॉक्टर शशि धमीजा जी और बहुत सारे, डॉक्टर नीरज शर्मा जी, ये कई सारे, डॉक्टर अनीता घई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वंदना, तो यदि किसी की कोई टिप्पणी हो, डॉक्टर अरुणा जी, तो किसी की भी कोई टिप्पणी हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व मेरा ये एक जिज्ञासा थी कि क्या पूर्णता, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, और अखंडता एक ही बात है, या पूर्णता केवल एक कर्म की या क्रिया की किसी कार्य में सिद्धि को हम पूर्णता कह देंगे, या व्यक्तित्व की जो अखंडता है उसको हम पूर्णता कहेंगे? तो ये थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण मुझे लगता है अपेक्षित है। उसके बाद आप में से जो भी अपना प्रश्न रखना चाहें उनका स्वागत है जी। ऐसा कहा जाता है कि दो ज्ञान के दो स्तर मान लिए गए हैं। एक है अद्वैत का स्तर और एक है द्वैत का स्तर। अद्वैत के स्तर पर हम पूर्णता की बात करते हैं। अद्वैत के माने ये है कि जब ये हमारी दृष्टि में परिपक्वता आती है, तो परिपक्वता आने से भेद में अभेद दृष्टिगत होने लगता है, इसको पूर्णता कहते हैं। भिन्नता में अभिन्नता आ जाने से, और ये अभेद का जो स्तर है, अभेद का स्तर प्राप्त कैसे होता है? अनुभव। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं हमारा जो दर्शन है अनुभवावसान, वो अनुभव में जाके परिणत होता है। अनुभव में पूर्णता है, अनुभव में अखंडता है। आपने प्रत्यक्ष अनुभव अभी आप करके देख लो, अनुभव में पूर्णता है। लेकिन पूर्णता अपने आप में पूर्णता ही रह जाएगी अगर उसके साथ द्वैत नहीं जुड़ेगा, अगर वो द्वैत को आत्मसात नहीं करती। तो वाक जो है, वाक के स्तर पर हमें द्वैत की कल्पना करनी पड़ेगी, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, वो मल्टीप्लिसिटी जो है, नानात्व जो है, नानात्व जो है, वो वाक के स्तर पर हमें खंड ज्ञानों से करते करते ही जो बच्चा जन्म लेता है। आचार्य शंकर को माँ ने भी तो कुछ सिखाया होगा, माँ ने ये तो नहीं कहा होगा कि बेटा तू ब्रह्म है, माँ ने तो वही ज्ञान सिखाया होगा कि जो उसके पास था। पिता के पास जो ज्ञान होगा वो पिता ने सिखाया होगा, वो पिता गुरु है। माता ने जो सिखाया, स्कूल में गए पाठशाला के टीचर ने जो सिखाया, ये सब खंड ज्ञान, छोटे छोटे ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर इनको संपूर्ण समझ लेने से अवरोध हो जाएगा। वो जो संभावना है मनुष्य की, मनुष्यत्व की जो संभावना है, वो ध्वस्त हो जाएगी। वो कभी अनुभव में नहीं जा सकेगा, अनुभव में जाने की योग्य नहीं रहेगा। वो बिल्कुल एक कुंद होके
बिल्कुल भार उसकी कुंद हो जाएगी, इसलिए वो अनुभव में जाना है। धारा चलेगी वही, लेकिन एक वहीं पर रह गया, वो कहा मैंने तुझे सिर्फ गंगा को हरिद्वार में देखा है, बस आगे नहीं देखा पीछे नहीं देखा। उसने कहा नहीं, गंगा तो समुद्र तक जाती है यार, वहां तक चलो ना, समुद्र में पर्यवसान होने दो, चलो यहाँ से। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो यहीं पर एक झोंपड़ी बना के रहता रहा हूँ और मुझे तो यही पता है कि जो मेरे सामने बस इतना ही काफी। तो इसलिए वहां पर अनुभव जो है वो पूर्णत्व है, अनुभव में पूर्णता आती है, अखंडता आती है। और दूसरा, उसमें हमें विरोध में देखने की जरूरत नहीं है कि खंडता को अखंडता में फिर हम प्राय होता ये है कि वो जो हमारा हमारा जो बात ज्ञान है वो द्वैत करके चलता है, क्योंकि वो बिना द्वैत के वो काम नहीं करेगा, चलेगा नहीं। लेकिन वो द्वैत जो बोध है हमारा वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वाक का स्वयं भी अनुभव में परिवर्तन है। वाक भी जब ये कहने लगती है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम शुद्धम विमलम अचलम सर्वधी भाष्यभूतम, अब जो सड़क के ऊपर बोलने वाला है वो भी वाक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये जो प्रयोग कर रहा है भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, उसमें आप प्रयोग करते हो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रयोग करते हो, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम, मेरे अंदर मेरे भीतर एक जैसे ऐसा अनुभव हुआ है, मेरे भीतर एक प्रकाश का पुंज मुझे नजर आया जो मेरी इंद्रियों के छिद्रों के माध्यम से वो प्रकाश बाहर आ रहा है, प्रकट हो रहा है। ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंद, लेकिन मैं बाहर की ओर जब ज्ञान जाता है तो वो खंड हो रहा दिखाई दे रहा है, वो उसका खेल है। लेकिन जब वो अपने भीतर प्रकाश की ओर आता है तो वहां अखंडता की अनुभूति है, इसलिए पूर्णता को है वो उस अनुभव बसाना है। मनुष्य इसको रोज के जीवन में देख सकता है कि जब वो अनुभव में होता है तो फिर उसके पास कोई द्वैत नहीं है, कोई झंझट है ही नहीं, स्वात्मलीन। इसलिए उसको क्या कहते हैं, गुरुओं के तीन रूप हैं, पहले गुरु को प्रणाम करते हैं शेषानंदनाथ स्वात्मनाथ, ये उसमें सॉरी स्वरूप निरूपण है। पहले गुरु तीन गुरुओं का तंत्र और आगम की परंपरा में प्रणाम करने की विधि है, उसमें पहले वो कहते हैं कि स्वरूप निरूपण हेतवे गुरुवे नमः, उसके लिए सिंपल गुरु शब्द का प्रयोग किया, जिसने स्वरूप का निरूपण कर दिया, कहा कि अपने स्वरूप को पाओ गुरु, अपना स्वरूप समझो। दूसरे को कहा, दूसरे गुरु के स्थान पर आया स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे, जिसने आपको निर्मल प्रकाश और विमर्श से आपका परिचय करा दिया। यहां तक भी क्या है कि प्रकाश और विमर्श यहां पर भी बढ़ा। तीसरे स्तर पर गुरु जो स्टेप आया, वहां शब्द प्रयोग किया स्वात्म राम पंजर विलीन चेत से, स्वात्म राम पंजर विलीन चेत से, स्वात्म राम के इस पंजर में विलीन हो गया है चित्त जिसका, ये चित्त का विलीन होना, इसी को नाटकों में कार्यों में अनुभव जो कहा जाता है, जिसे रस कहा जाता है, वो अनुभूति का रसानुभूति कहा जाता है। तो अनुभूति जो है वो संपूर्ण है। और किसी और का कोई प्रश्न, मेरा ख्याल हर्षलीन जी उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। हर्षलीन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, मुझे मालूम नहीं उनसे, वैसे ही हर्षलीन जी यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड द हैंड, अपने को अनम्यूट कीजिए।
अश्लीन जी। चलिए तब तक डॉक्टर सुभाषिनी बारिक जी, शी इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, दिल्ली से हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्री गुण शी हैज रेज्ड हर हैं। सुभाषिनी जी, जी मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। जी आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा माइक को पास कर लीजिए। एक मिनट सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ, जी जी जी, लाउड एंड क्लियर। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं सभी को मेरे सादर नमन करती हूँ, और खास करके आज की जो प्रवक्ता है उनकी इतनी सारगर्भक भाषण सुनने के बाद, वो भी ज्ञान के ऊपर और गुरु गुरु परंपरा के ऊपर सुनने के बाद, मैं सच में बयान नहीं कर पा रही हूँ कितनी खुश हूँ आज। क्योंकि मैं पढ़ाती तो हूँ, लेकिन आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे कथाओं को सुनने के बाद शायद मेरा थोड़ी सी ज्ञान की प्रकाश होएगी, और इसी वजह से मैं सर ने आज बहुत कुछ बताया है विभिन्न प्रकार की गुरुओं के बारे में, और ज्ञान की उदय, ज्ञान की प्रकाश किस तरह से शुरुआत होती है, और किस ओर जाने की उचित है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताए। लेकिन मैं मेरे मन में जो शंका आ रही है इमिडिएटली, मैं उसी को ही बताना चाहती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि उसको किस तरह से देखिए, ज्ञान के बारे में हम जब बात करते हैं, हम पारमार्थिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज्ञान की जिज्ञासा से ज्ञान आती है, ये तो समझ में आती है, लेकिन जिसमें जिज्ञासा नहीं, जिसमें उस तरह की क्यूरोसिटी नहीं, जो कुप मंडप की तरह जिसमें है उसी को ही अपना संपूर्ण ज्ञान मान लेता है, जो आज की दुनिया में मेरे ख्याल से हमारी चारों तरफ ये छाए हुए हैं, क्योंकि हम जो जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, उससे ज्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो सिचुएशन है, ये जो इस तरह के सिचुएशन में, चाहे वो गुरु हो, तथाकथित फॉर्मल मैं औपचारिक गुरुओं की बात कर रही हूँ, गुरु हो या शिष्य हो, मैं तो गुरु तब कहलाऊंगी ना जब शिष्य में वो जिज्ञासा लाने की कोशिश कर सकती हूँ, जिज्ञासा उत्पादन करवा सकती हूँ, तभी मैं वो गुरु कहलाऊंगी। जब ये सिचुएशन ही नहीं आती है, जब बच्चे में जिज्ञासा नहीं है या गुरु में जिज्ञासा नहीं है, मैं एक गुरु हूँ और मैं मुझे लगता है कि मुझे अगर लगता है कि मैं सारा कुछ जानती हूँ, तो जिज्ञासा कैसे, वो सुसुप्त अवस्था, मेरे हिसाब से एक सुसुप्त अवस्था है, उस सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए क्या होना चाहिए, ये मेरा एक बहुत ही आशंका है, वो आशंका है, क्योंकि ये मैं पूरी दुनिया में देख रही हूँ, मैं अपनी सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में जब तक वो जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक हम आगे बढ़ने की प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर हम अपनी आप में समाहित हो जाएंगे और कंप्लीट फुलफिलमेंट अपनी आप में ही अनुभव करेंगे, तो आने वाले, चाहे हमारी हमारी इंडिक नॉलेज जो है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है ना, असीमित है, हम कितनी भी जाने उसके आगे वो चलता रहता है, लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि इतना ही हमारे लिए काफी है, तो आगे का, मैं ये दोनों 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 सिचुएशन में सर पूछ रही हूँ, हमारी जैसे इनकम्प्लीट लोगों के लिए, और जो बिल्कुल आगे बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं, उस सिचुएशन में हम क्या करें और आगे कैसे बढ़े, ये एक मेरा बहुत छोटी सी प्रश्न है सर। थैंक यू मैडम की, बल्कि बात में मैं और एक शब्द ऐड करना चाहूंगा कि आज हम क्या, हमारे आसपास और हम स्वयं फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज के साथ भर गए हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। वो जो गूगल बाबा हमारे हाथ में आ गया मोबाइल, उससे हमें फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज आ गई है, नई शब्दावली है। पहले ये नहीं होते थे, मिथ्याभास या मिथ्या ज्ञान कह लें, लेकिन फॉल्स सेंस ऑफ नॉलेज ये जो है, ये बहुत एक समस्या खड़ी कर रही है संवाद
सोसाइटी में खड़ा करने में, उसको करने में। मुझे लगता है एक एक आध प्रश्न और टिप्पणियां और भी ले लें साथ में, तो आप एक साथ ही उनके ऊपर उत्तर दे दिए। हर्षलीन जी, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप दोबारा कर लीजिए। नहीं, ओके, तब तक किसी और। जी जी, इसमें ऐसा है कि ये जिन लोगों के पास ये समझ है, और जिस सुभाषिनी जी का बहुत प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये मतलब आज का एक बड़ा ही सहज प्रश्न भी है और बड़ी एक जटिल समस्या, जटिल है। उस जटिल समस्या में ये होता है कि ऐसे लोग जो जागृत लोग हैं, उन लोगों का उसमें दायित्व बनता है, वो अपने तक सीमित न रहें, क्योंकि मुश्किल ये है कि बहुत से गुरु ऐसे हैं जो गुरु पद संज्ञा है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन वो उसमें जैसे कैसे उस शब्द का दोहन कर रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें, वैसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक जिनके अंदर ये चेतना जागृत हो गई है कि ये जो कूपमन लुकता है, ये मनुष्य को अग्रसर नहीं हो देती, ये अवरोध ला रही है, तो इस समय जो परिस्थिति सारी है, उस सारी परिस्थिति में जो जागृत लोग हैं, वो जो प्रज्वलित जीव स्वयं प्रज्वलित है, स्वयं जो प्रज्वलित है, वो दूसरों को इस बारे में बराबर कई बार कहने के, कई बार आपकी बात जो है वो बार बार कहने से, सुनाने से, डांटने से, प्रेम से, किसी भी माध्यम से, वो आपका वक्तव्य अगर उसके पीछे एक सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है, सत्य है उसके पीछे, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपना स्वरूप जरूर लाएगा। क्योंकि मनुष्य जो है, ये जो चाहे हम कहें कि टेक्नोलॉजी का ये जो पीरियड है, इसके अंदर हमारे पास जो ज्ञान जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है, इसमें आप लोगों को जागृत रहना है, ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। मनुष्यता जो है वो स्वयं आत्मघात की ओर बढ़ रही है, और उस आत्मघात में उससे उनका जो विस्फोट होगा उस समय, उस स्थिति को, और जब जिन लोगों के अंदर इस प्रकार की स्थिति आप देखते हैं कि जो रेस्टलेस हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है, उनको जागृत करने का दायित्व उन पुरोधाओं का है। वो लोग जो स्वयं जागृत हैं वो उसमें, लेकिन स्वयं को जागृत करना भी एक समस्या है। मुझे बंद है, पंडित है, सब कुछ है, कि मैं आपके पास आया हूँ, तन्मान भगवान शोक से पार, मैं आपको बताया कि मुझे आप शोक के पार ले जाएं, तो उसमें लड़ने के लिए छात्र में है वो, कहा कि आज तक क्या करते रहे, कहा कि मैंने ये 16 विद्याएं, 16 विद्या हमें देव यजन सारी, ये आजकल की मॉडर्न साइंसेस भी उसके अंदर आ जाती है, न्यूटन सारे का जूलॉजी भी आ जाती है, उसके अंदर सब जाती है विद्यापा। तो उन्होंने कहा कि अब इतना तुम जाते हो तो फिर अब क्या है, कहा नहीं, मंत्र भी देवास्मि नाम आत्मविच। अब ये आपने सचेत अपने घर से शुरू करना, घर से शुरू करें कि घर में कोई जागृत है तुझे मानता है, कहा मैं मंत्र तो जानता हूँ भगवान, लेकिन मंत्र जानने पर भी आत्मवित नहीं हूँ। और कहा यही जाता है कि जो आत्मवित नहीं है वो शोक से पार नहीं जाता, इसलिए वो स्वयं जागृत जो है वो अन्यान जागृतान को याद, तो स्वयं जागृत हो रहा है जिस स्तर में जहाँ पर है बैठा, क्योंकि दिया, हर एक दिया जो है वो सड़क के ऊपर लाइट नहीं करता,
वो घर में प्रकाश करता है, कमरे में जाता है तो कमरे में ही प्रकाश करता है, वहाँ बैठे वहाँ कहेंगे तो मनुष्य की स्थितियाँ ये जो है विषम स्थितियाँ, इनमें से मनुष्यता स्वयं उत्पीड़ित करके मनुष्य इन खनों से उतर के ग्लैमर से बाहर आकर के, क्योंकि यहाँ पहली बार नहीं आया सृष्टि के अंदर इस प्रकार ग्लैमर के बारे में तो ईश्वर कह रहे हैं सत्य का मुख जो है वो सब रहा है, तो उसमें इन लोगों ने इनके इर्द गिर्द भी ऋषियों के इर्द गिर्द भी आसपास संतों के इर्द गिर्द भी लोग बड़े ऐसे कभी कहा था गाली निकालने वाले, लेकिन कहा कि नहीं मैं क्या कहूँगा क्या कहूँ, ये तुमने मछली ना तरी जा कर रहे हैं। मेरा प्रश्न तो ये है कि अगर गंगा में स्नान करने से ही सब ठीक होता है तो फिर वो मछली जो है वो भक्त पहले क्यों नहीं तैर गई, मछली न तरी जा कर लिए, तो इसलिए ये प्रश्न लोगों के अंदर आप परोक्ष नीति से जागृत करें, जो सुप्त हैं जो आपको लगता है कि वो कर रहे हैं तो उनको यही विषय में उनसे लेके जा समझता हूँ, लेकिन यही है कि स्वयं प्रज्वलित होना होगा और जब स्वयं प्रज्वलित होंगे तो वो आग कहीं भी लग सकती है, फिर वो अविद्या को लग जाए तो फिर अविद्या ज्यादा देर नहीं टिकती है। जी धन्यवाद सर। एक्चुअली व्यवहारिक सत्ता जो है पारमार्थिक सत्ता के ऊपर इतनी भारी पड़ रही है इस समय वो सदा से ही रहा है। हमारे भी गुरुजन जो थे वो लोग भी ये कहते थे इस बात को, लेकिन इस पर भी मनुष्य ने अपनी यात्रा को रोका नहीं। इस समय में इस युग में भी ऐसे मनुष्य पैदा हो गए बहुत आ रहे हो उसमें दूसरे लोग थोड़े हैं, तो दो चार दस आपको ऐसे नाम व्यक्तिगत हो जाएंगे जो केवल मात्र करुणा से केवल मात्र लेकिन स्वयं जो है वो प्रज्वलित है, वो स्वयं जो प्रज्वलित है वो जलाएंगे, वो दूसरों को भी जागृत कर पूरा। जी यदि और का कोई प्रश्न हो तो उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर डॉक्टर ज्योति शर्मा जी जो कन्वीनर हैं इस वेबिनार की वो धन्यवाद देंगे, लेकिन उससे मैं चाहता हूँ कि टिप्पणियाँ या प्रश्न या जिज्ञासाएं विशेष रूप से हमारे साथ डॉक्टर निहाल खान अहमद जी जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टर हैं फिजिकल एजुकेशन बोर्ड के महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइक टू मेक अ कमेंट सर अपने हाल जी। ओके एनीवे यदि और किसी कोई टिप्पणी हो, जयश्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर दोष, डॉक्टर रेणुका जी, डॉक्टर वैशाली कुलकर्णी जी, यदि किसी का कोई प्रश्न हो कोई जिज्ञासा हो, नहीं तो फिर मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ज्योति जी को जो कि कन्वीनर है इस वेबिनार की सेमिनार की, वो धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे साथ इसी बीच में श्री डॉक्टर बीडी थापर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल अवेयरनेस फोरम के। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज बड़े देर के बाद ही उनको दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और भी है, और धन्यवाद भी। चलिए मैम डॉक्टर ज्योति जी आप ज्ञापन करें सभी की ओर से। सभी को नमस्कार, नमो नमः। आपका स्पीक साथ में ऑन है, उसका स्पीक ऑफ कर लीजिए क्योंकि वो मेरे ख्याल दो जगह है। जी सर्वप्रथम आपने माइक ऑफ कर लिया मैम, मैडम आपने माइक कर लिया। हाँ चक्षुर्मीलितं
गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास संरचना की पुनः संस्कृत की संरचना योजना की आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा राक्षस संवत्सर विक्रम संवत्सर 2087 तदनुसार 13 जुलाई 2022 सनातन धर्म कॉलेज अंबाला छावनी के साथ डीएवी सेनेटरी कॉलेज फरीदाबाद एसके संस्कृत कॉलेज अंबाला कैंट सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब अमेठी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज अमेठी यूनिवर्सिटी मुकलारण्य महाविद्यालय सिद्रा काशी उत्तर प्रदेश डीएवी कॉलेज नन्योला सनातन धर्म महिला महाविद्यालय नरवाना सनातन धर्म महिला विद्यालय पंचपुरा चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय सुंदरी आर्य कन्या महाविद्यालय अम्बाला छावनी कन्या डीएवी महाविद्यालय यमुनानगर डीएवी कॉलेज पेहवा और एमए कॉलेज जगत इन सबके संयुक्त तत्वाधान में इन सबके सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वजनों और शोधार्थियों के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्यवान समय इस अमूल्यवान परिचर्चा के लिए मैं आग्रह करती हूँ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत अंगेसर यद्यपि इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना मुझे स्वतः शब्दों में शोभा नहीं दे रहा हम हमेशा इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं और अपने ज्ञान निरंतर वृद्धि करते रहते हैं क्योंकि की धन्यवाद और विचार हमें सदैव प्राप्ति के लिए और हमें अज्ञान रूपी निरोध खोलने के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं। मैं निरुक्त का जो निर्वचन आचार्य के लिए दिया जाता है आचार्यम आचिनोति अर्थान बुद्धिमुति इति आचार्य यही निर्वचन पूर्णतः सतः अंगिरज है और आज गुरु पूर्णिमा पर डॉक्टर आशुतोष अंगिरज जी जो एक वास्तविक गुरु सब गुरु जी का जो यहाँ पर व्याख्यान कराया मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ और भविष्य में भी हम यही चाहते हैं कि हम इस तरह से विचारों को उनके ज्ञान को लेते रहे और अपने एक एक अंश के ज्ञान की बढ़ाते रहे। श्रीमती सुनीता पावा जी स्वस्थ नहीं है तो वो बिल्कुल भी इस समय जो है इसको अटेंड नहीं कर पाने नहीं कर पा रही है असमर्थ है तो उनका स्पेशल मुझे फोन आया था कि मेरी ओर से आपने प्रोफेसर अंगिरज जी का धन्यवाद ज्ञापित करना है तो उनकी ओर से भी मैं तहे दिल से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित कर चुकी। इसके साथ साथ मैं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का ज्ञापित करती हूँ जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी जो है इस ज्ञान परिचर्चा में भाग लेते रहते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं और साथ ही मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर आशुतोष अंगिरज जी के प्रति भी श्रद्धांजलि हूँ कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनका बस सदैव हमारे साथ है और हमेशा प्रति के पद पर अग्रसर होने के लिए हमेशा हमारा सहयोग करती है जैसे करते मैं उनका बस ज्ञापित करती हूँ और साथ ही साथ मैं सभी विद्यालयों के उपस्थित अध्यापक वर्ग का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने अपना मूल्यवान समय और जो क्योंकि आजकल परीक्षाएं चल रही है हमारे डॉक्टर अरुणा चोपड़ा जी हैं हमारे ही महाविद्यालय की इंग्लिश विभाग डॉक्टर कविता मेहता जी उनका भी दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस प्रकार की जो ज्ञान परंपरा है जैसा कि अभी प्रोफेसर रमाकांत जी ने कहा कि ये गुरु परंपरा जो है ज्ञान परंपरा जो है ज्ञान कैसे मिलता है ये परंपरा जो चलाई गई कि गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता रहे और सच में वास्तविक गुरु जो समय बताया जो शोक और मोह से हमें मुक्त करता है जो हमारी अज्ञानता की आंखों को लेता है और के अपने शिष्यों का समर्थन करने के लिए लगाया कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ किसी प्रकार उनका आशीर्वाद में मिलता रहे और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ मैं बीडी अपर जी और डीएवी कॉलेज सोवा के प्रिंसिपल जो थे हमारे साथ डॉक्टर कामदेव जी जुड़े थे मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ
और जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पा रही हूँ, पूरे इंडिया से, भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी शोधार्थियों का, प्राध्यापक वर्ग का, प्रिंसिपल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ज्योति जी, आपने तो बहुत विस्तार पूर्वक सबका धन्यवाद कर दिया है। चलिए बहुत अच्छा है, जल्दी ही दोबारा हम इसी तरह का कोई विषय लेंगे और फिर दोबारा मिलेंगे, ज्ञान चर्चा को अग्रसर करेंगे। लेकिन उससे पूर्व यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा, और ज्योति आप अपने सिग्नेचर्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर जाएंगे। डॉक्टर निहाल जी, अच्छा लगा आपसे सुन करके, आप हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूंगा कि दोबारा आपसे मुलाकात हो क्योंकि अगला विषय में हम लोग लेंगे विषय जो है फिजिकल एजुकेशन, बट इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम संस्कृत शास्त्रास, वो लगभग तैयार ही है विषय, लेकिन उसको हम टेकअप करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना फोन नंबर हमारे साथ शेयर कर लें तो आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे और उसमें आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। तो प्लीज अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो दैट विल बी वंडरफुल। और हमारे साथ जयश्री जोशी जी हैं। मैम नमस्कार, स्वागत है, अच्छा लगा आपको देख करके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं यदि आप लोगों ने अपना देवेंद्र शर्मा जी धन्यवाद, डॉक्टर रेणुका जी थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।